वेलकम टू जैन ट्यूटोरियल्स। इट इज जैन ट्यूटोरियल ऑनलाइन क्लासेस फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। टुडे वी स्टडी अबाउट क्लास 10th केमिस्ट्री एंड वी विल स्टार्ट विथ न्यू चैप्टर कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द मेन केमिस्ट्री ऑफ क्लास 10th या 11th या 12th। कभी पढ़िएगा, सबसे ज़्यादा वेटेज किसी को मिलता है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मिलता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छा लगेगा तभी आप 11th क्लास में भी केमिस्ट्री अच्छा कर पाएंगे, 12th क्लास में भी। जब भी आप फर्दर केमिस्ट्री पढ़ना चाहेंगे तो इसी पर बेस्ड रहता है। एकदम अच्छा से पढ़ना चाहिए आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और एग्जाम में कम से कम, इस बार का क्वेश्चन देखिए 20 मार्क्स क्वेश्चन था, 15 से 20 मार्क्स एग्जाम में आ जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 15 से 20 मार्क्स एग्जाम में आ जाता है, तो कम से कम 15 नंबर मानिएगा तो कम नहीं है। बहुत तरह का क्वेश्चन इसके अंदर छिपा, बहुत लंबा चैप्टर है। बुक में आप देखेंगे सबसे लंबा सबसे लास्ट में ही चैप्टर है। क्लियर है? इसके लिए कम से कम 20 वीडियो लगेगा। एकदम अच्छा से देखना है, केवल समझने वाला है, थोड़ा लास्ट में रटना पड़ेगा रिएक्शंस, बाकी पूरा समझने वाला है। अंडरस्टूड? तो स्टार्ट करें। तो सबसे पहले वीडियो नंबर 1 में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पहले ये बताएंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या चीज़ है। एक्चुअली में स्टडी ऑफ क्या है, कार्बन, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके कंपाउंड्स का स्टडी है, कार्बन से संबंधित है। सोचिए कार्बन के लिए एक ही ब्रांच दिया हुआ है, बाकी सब के लिए इनऑर्गेनिक बोलते हैं। जैसे सोडियम पढ़ना तो इनऑर्गेनिक, HCl के लिए अलग चैप्टर सब दिया हुआ है, लेकिन कार्बन और उसके कंपाउंड के लिए एक अलग चैप्टर जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग बोलते हैं। बहुत ईजी लगने वाला है, अच्छा से पूरा कॉन्सेप्ट से पढ़िएगा, बहुत ईजी है। एक एक चीज आपको बताएंगे। कार्बन में, कार्बन के कंपाउंड्स बहुत होते हैं, 1, 2, 10, 20, 50 नहीं होते हैं, लाखों करोड़ों कंपाउंड होते हैं, जिसमें हम लोग का शरीर में ही लाखों कंपाउंड है। आसपास देखिए तो हर चीज़ में कार्बन के कंपाउंड होते हैं, इसलिए हम लोग इसके एक नया ब्रांच दिया, तो इसको अच्छा से स्टडी करने के लिए एक नया ब्रांच की आवश्यकता हुई, जिसमें हम लोग कार्बन के बारे में पढ़ते हैं, नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो चलिए थोड़ा कार्बन के बारे में जानते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर सबको जानते हैं 6 होता है और मास नंबर 12 होता है। और भी हैं लेकिन हम लोग को इसके बारे में पढ़ना है। 13 वाला भी होता है, एटॉमिक नंबर तो सबका 6 ही होगा, 14 भी होता है, ठीक है। मास नंबर अलग अलग हो सकता है, एटॉमिक नंबर क्या होगा सबका 6। सभी कार्बन एटम का एटॉमिक नंबर 6 होता है, मास नंबर अलग अलग है। अलग अलग अगर है सबका मास नंबर तो बोलते हैं, इनको बाद में पढ़िएगा एक नया चैप्टर, एक चैप्टर भी अलग से फिजिक्स में, उसमें बोलते हैं आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, है ना। तो मास नंबर सबका सेम, सॉरी एटॉमिक नंबर सबका सेम है तो आइसोटॉप्स बोलते हैं हम लोग। तो ये 3 आइसोटॉप्स हैं, है ना। 12, 13, 14 इसका एटॉमिक मास नंबर है। बोलेंगे इसका मास नंबर कितना है तो बोलेंगे 12। इसका मास नंबर कितना है तो बोलेंगे 13। इसका मास नंबर कितना है तो बोलेंगे 14। लेकिन एटॉमिक नंबर सबका कितना है 6, मतलब सब इलेक्ट्रॉन का संख्या, प्रोटॉन का संख्या 6 है और न्यूट्रॉन का संख्या भी सब में अलग अलग है। किसी इसमें 6 है, इसको माइनस करिए तो 6 निकलेगा न्यूट्रॉन का संख्या, इसको माइनस करिए तो न्यूट्रॉन का संख्या यहाँ पर होता है। इन दोनों को माइनस कर दीजिए, न्यूट्रॉन कितना है 7। बस जानकारी के लिए बता रहे, यूज नहीं होगा। इसमें कितना है, मास नंबर इसका 14 है, तो कितना जगह 14 में 6 किया था 8। न्यूट्रॉन अलग अलग हो सकता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब में सेम होता है 6, है ना। न्यूट्रॉन सबका अलग अलग है, कोई डाउट नहीं किसी को। हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ चुके हैं, हम लोग जानते हैं कि कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में और सेकेंड में क्या होता है 4। तो ये क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, शेयरिंग करके कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कार्बन के पास लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है और चारों इलेक्ट्रॉन क्या करता है, शेयरिंग करके बॉन्ड बनाता है। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, शेयरिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग से ही बनेगा, इसमें कार्बन का 4 गो बॉन्ड जरूर बनेगा, कार्बन का 4 गो बॉन्डिंग 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो जो 4 बनाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टेट्रावेलेंट है। यही सबसे बड़ा प्रॉपर्टी है कार्बन का इस चैप्टर के लिए, कार्बन इज टेट्रावेलेंट, कार्बन इज टेट्रावेलेंट। कार्बन का 4 गो बॉन्ड होता है,
कार्बन इज टेट्रावेलेंट, कार्बन का चार गो बॉन्ड होता है. अंडरस्टूड? सबको समझ में आ रहा है क्या क्या बोल रहे हैं? कार्बन इज टेट्रावेलेंट, कार्बन का चार इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, टेट्रावेलेंट बॉन्ड बोलते हैं हम लोग. कोई डाउट नहीं किसी को? कार्बन इज टेट्रावेलेंट. फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? टू. और दो ही ऑर्बिट होता है, सेकेंड में कितना है? चार. चार वाला क्या करता है? शेयरिंग करता है. चारों, इसको कितना चाहिए? चार गो है लास्ट में, एक दो तीन चार, तब ना इसका एट होगा. चार को शेयर करके एट करेगा तो चार को बॉन्ड हमेशा बनाएगा ये. तो कार्बन इज टेट्रावेलेंट. अंडरस्टूड? नोट कीजिए पूरा बात. सो कार्बन इज टेट्रावेलेंट, कार्बन का चार बॉन्ड होता है. अब चार बॉन्ड किस तरह से होगा? कार्बन का चार बॉन्ड किस तरह से होता है तो हम दिखा रहे हैं आपको, ध्यान सुनिएगा. टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन, कार्बन का चार बॉन्ड ऐसे हो सकता है. इसको हम लोग बोलते हैं फोर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. कार्बन का चार गो सिंगल बॉन्ड होता है. तो ये टेट्रावेलेंट हुआ कि नहीं हुआ? चार गो बॉन्ड हुआ कि नहीं? चार गो. ये कितना एटम से जुड़ा हुआ है? चार एटम से जुड़ा हुआ. चारों तरफ एक एक ठो एटम है उसके पास, हाइड्रोजन के रूप में चाहे कोई भी रहेगा. अंडरस्टूड? कार्बन का चार गो बॉन्ड हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं. कार्बन का चार गो बॉन्ड हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं. यहां भी चार गो, गिन लीजिए, गिनने का चाहिए, एक दो तीन चार. चार बॉन्ड हुआ कि नहीं? टेट्रावेलेंसी हुआ कि नहीं? हुआ, टेट्रावेलेंट हुआ. अब इसमें ए गो क्या है? डबल बॉन्ड है. और दो गो क्या है? सिंगल बॉन्ड है. सुनिए, या कार्बन का चार गो बॉन्ड ऐसे भी हो सकता है. कार्बन का चार गो बॉन्ड ऐसे भी हो सकता है. टेंथ क्लास तक में ये तीनों मिलेगा आपको, चारों सिंगल बॉन्ड. ऐसे भी हो सकता है या एक गो डबल, दो गो सिंगल, चार गो हुआ. इसमें कितना एटम से जुड़ा हुआ है बोलिए? कितना एटम से? एक गो इधर होगा, एक गो इधर, इधर एक एट होगा. भाई दो बॉन्ड बना रहा है उससे, लेकिन एक एटो से बना रहा होगा दो बॉन्ड, यानी तीन एटम से लिंक होगा ये. कितना एटम से? तीन एटम से लिंक होगा. ये वाला चारों तरफ चार गो एटम है, इधर एक, इधर एक, इधर एक, तीन गो एटम है. भले एक गो से डबल बॉन्ड बना रहा है. अंडरस्टूड? इसमें कितना गो है? चारों बॉन्ड हुआ कि नहीं हुआ? चार बॉन्ड हुआ कि नहीं? इसका टेट्रावेलेंट हुआ कि नहीं हुआ? इसका टेट्रावेलेंट हो गया. बोलिए, ए गो क्या है? ए गो सिंगल है. और ए गो क्या है? ट्रिपल है. ए गो सिंगल, ए गो ट्रिपल, इसका भी हो गया टेट्रावेलेंट. ए गो सिंगल, ए गो ट्रिपल, इसका भी हो गया टेट्रावेलेंट. चार गो बॉन्ड बन गया. अंडरस्टूड? कितना एटम से लिंक है कोई पूछेगा तो बोलिएगा ये एटम जो है दो एटम, एगो इधर एगो इधर, मतलब एगो से सिंगल बॉन्ड बना रहा है और एगो से ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है. एक एगो एटम से ट्रिपल बॉन्ड बना दे रहा होगा. होगा ऐसा, दिखाएंगे सब एग्जांपल मेरे पास. तो कार्बन का चार गो बॉन्ड होता है कोई पूछेगा तो, सही है या गलत? ये गलत है. क्यों? इसमें तीन ही बॉन्ड दिखा रहे हैं, कितना होना चाहिए था? चार. ये वाला सही है कि नहीं? ये भी नहीं, पांच भी नहीं हो सकता. अच्छा, ये वाला सही है कि नहीं? ये सही है. ऐसा भी हो सकता है, ये सही है, ये गलत है. पांच बॉन्ड नॉट पॉसिबल, पेंटावेलेंट इज नॉट पॉसिबल, थ्री भी नहीं पॉसिबल. ऐसे पॉसिबल है? इसमें चार बॉन्ड बना कि नहीं बना? चार बॉन्ड बना कि नहीं बना? पॉसिबल है ऐसा? पॉसिबल, ये भी पॉसिबल, लेकिन बहुत रेयर केस में ऐसा मिलता है ना. ये भी पॉसिबल है, लेकिन अभी इसको हम लोग नहीं करेंगे कि आपको यूज नहीं होगा. ये पॉसिबल, ये हम पूछेंगे कितना गो बॉन्ड है? चार गो. तो दो गो क्या है इसमें? दो गो डबल बॉन्ड, दो दूना चार हो गया. इसमें क्या है? ए गो सिंगल, ए गो ट्रिपल, दो गो सिंगल, ए गो डबल, चारों सिंगल, चारों तरफ एटम, चार एटम. इसमें एक दो, एक दो तीन एटम. इसमें एक और एक दो एटम. इसमें बताइए इसमें कितना एटम? दो एटम. क्लियर है? सिंगल बॉन्ड जो जो होता है, ध्यान सुनिए, सिंगल बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रोंगर होता है, मजबूत होता है, उसको सिग्मा बॉन्ड ही बोलते हैं.
इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिग्मा, मतलब स्ट्रोंगर बॉन्ड का नाम सिग्मा सिंगल बॉन्ड, इसका ये साइन है सिग्मा साइन, सिंगल बॉन्ड जो जो होगा वो सिग्मा बॉन्ड, स्ट्रोंगर बॉन्ड होता है, याद रखिएगा साइन है उसका, जिससे इसमें बोलेंगे कौन, पहले इतना नोट कीजिए, बता रहे हैं, डाउट है किसी को? तो कार्बन इज टेट्रावेलेंट, तो हम क्या बताएं कि सिंगल सिंगल बॉन्ड जो जो भी रहेगा वो क्या होता है, स्ट्रोंगर बॉन्ड, उसका नाम क्या है, सिग्मा बॉन्ड, साइन क्या है, ऐसे। डबल बॉन्ड जहां पे रहेगा, ध्यान सुनिए, डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड में एगो स्ट्रोंगर होता है और एगो कमजोर होता है, एगो स्ट्रोंगर एगो कमजोर, स्ट्रोंगर बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा, ये साइन किसका है, सिग्मा, सिग्मा मतलब स्ट्रोंगर बॉन्ड, कैसे जानेंगे, तो आप लिख दिया सिग्मा मतलब वो स्ट्रोंगर है ना, स्ट्रोंगर बॉन्ड, और वो जल्दी से नहीं टूटता है, डू नॉट ब्रेक क्या, इजीली, वीकर बॉन्ड जो होता है, वीकर बॉन्ड को हम लोग पाई से डिनोट करते हैं, किससे, पाई से, डबल बॉन्ड में एगो सिंगल एगो वीकर, सिंगल बॉन्ड ऑलवेज स्ट्रोंगर, बस वगैरह क्या क्या बोल रहे हैं, डबल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड है कार्बन का है ना, कार्बन का डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, सिग्मा इज स्ट्रोंगर बॉन्ड और एगो वीकर बॉन्ड को पाई बॉन्ड बोलते हैं हम लोग, वीकर बॉन्ड को पाई बॉन्ड, पाई देखे ना, पाई सुने होंगे, पाई वर्ड नाम है, साइन है, हम क्या करें, किसी जाने कौन सिंगल है कौन डबल है, तो सॉरी कौन स्ट्रोंगर है कौन वीकर, तो साइन है वहाँ पे पाई लिख देगा, और ऐसे भी जानेंगे एगो सिंगल है तो सब सब स्ट्रोंगर है ना, चारों सिंगल चारों स्ट्रोंगर, डबल बॉन्ड में एगो स्ट्रोंगर, डबल बॉन्ड में रहेगा तो वन बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रोंगर, और वन बॉन्ड क्या होगा, वीकर मतलब सिग्मा, और ये पाई, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा ना, वीकर बॉन्ड ब्रेक कर जाता है इजीली, वीकर बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक इजीली, मतलब ज्यादा रिएक्टिव है ये, जो टूटता है जल्दी वो क्या होता है, मोर रिएक्टिव, डू नॉट ब्रेक इजीली वो क्या होता है, लेस रिएक्टिव, ये हम लोग पढ़ चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग में, जो जल्दी टूटेगा है ना वो क्या होगा, मोर रिएक्टिव, जो आसानी से नहीं टूटेगा वो लेस रिएक्टिव, अब आइए ट्रिपल बॉन्ड, ये हो गया डबल बॉन्ड, ऐसा मिलेगा आपको जब सब सिंगल बॉन्ड तो क्या बोलेंगे, स्ट्रोंगर बॉन्ड, सब स्ट्रोंगर बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड नाम है उसका, टूटता नहीं है जल्दी से, डबल बॉन्ड जो होता है उसमें एगो बॉन्ड स्ट्रोंगर होता है और एगो बॉन्ड वीकर होता है, और ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा, देखिए ध्यान से, दो गो पाई और एगो सिग्मा, मतलब दो गो क्या है, वीकर बॉन्ड, ये भी क्या है, वीकर बॉन्ड, और ये क्या है इसका, स्ट्रोंगर बॉन्ड, क्लियर है, स्ट्रोंगर बॉन्ड को सिग्मा से बीच में होता है, कहीं भी लिख सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं, कोई भी, मैं दो गो पाई बॉन्ड है, ज्यादा टूटेगा जल्दी नहीं, ये और टूट जाएगा, जल्दी टूट जाएगा, तो ये ज्यादा सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, ये मोर रिएक्टिव है, क्यों रिएक्टिव है, कि दो गो क्या है उसके अंदर, पाई बॉन्ड है, सब जितना भी सिंगल बॉन्ड रहेगा अकेले रहेगा वो सब स्ट्रोंगर होगा, दो गो रहेगा तो एगो सिंगल एगो सॉरी डबल में एगो सिग्मा और एगो पाई, मतलब पाई मतलब वीकर, नाम हम क्या करें, नाम ऐसा दिया गया है, सिग्मा मतलब स्ट्रोंगर, ट्रिपल बॉन्ड में कितना गो पाई होता है, दो गो पाई, किधर चार गो बॉन्ड तो पढ़ना नहीं, चारों बॉन्ड एक साथ तो बनता नहीं है, ये आपको पढ़ना नहीं है, है ना, इसलिए नहीं डिस्कस कर रहे हैं इसके बारे में, एगो सिग्मा दो गो पाई, ये कौन ज्यादा स्ट्रोंगर है, सिंगल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड थोड़ा कमजोर हो गया क्योंकि एक वीकर आ गया इसके अंदर, और ट्रिपल बॉन्ड दो दो को वीकर, तो सबसे कमजोर ये लोग है, तो जल्दी रिएक्शन यही लोग करेगा है ना, मोस्ट रिएक्टिव है क्योंकि ये मोर क्या है, वीकर है, अंडरस्टूड, कार्बन का चार बॉन्ड समझ में आ गया, चारों बॉन्ड कैसे कैसे बनता है, कौन सिंगल कौन डबल कौन ट्रिपल, सिंगल डबल ट्रिपल में सिग्मा पाई आपको दिखाना होता है, कौन बॉन्ड टूटेगा रिएक्शन के दौरान, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड टूट नहीं सकता क्योंकि बहुत स्ट्रोंगर होता है, नोट कर लीजिए, एग्जांपल दिखा रहे हैं,
यही पॉसिबल है, चाहे ऐसा भी कर रहे हो, ये भी पॉसिबल है। हम क्या दिखा रहे हैं, हम क्या दिखा रहे हैं, कार्बन का टेट्रा वैलेंसी दिखा रहे हैं। ये कार्बन एटम, ये कार्बन एटम सब में चार गो बॉन्ड है कि नहीं, चार गो ही होना चाहिए, ना कम ना ज्यादा। बताइए, चारों सिंगल बॉन्ड, तो चारों सिंगल है कि नहीं है, चार गो एटम से लिंक है कि नहीं, चारों कैसा बॉन्ड है, सिग्मा, सभी क्या है, ऑल स्ट्रोंगर, तो ये क्या हो जाएगा, लेस रिएक्टिव। चार बॉन्ड है कि नहीं यहां भी, लेकिन एक गो डबल बॉन्ड हो गया, तो डबल बॉन्ड में एक गो सिग्मा एक गो पाई, ये तो सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, तो ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, मोर कौन बॉन्ड टूटेगा, ये वाला ना वीकर बॉन्ड टूट जाता है, टूट जाएगा तो ज्यादा रिएक्शन करेगा दूसरा से। इसमें आइए, चार गो बॉन्ड है कि नहीं है, चार गो बॉन्ड है कि नहीं है, दो गो आइटम से लिंक है कि नहीं है, एक इधर होगा एक उधर होगा, ये चार गो आइटम से लिंक है, ये तीन गो आइटम से लिंक है, ये दो गो आइटम से लिंक है, बोलिए ये कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल में एक गो सिग्मा और दो गो पाई, याद कर लीजिए, बता दिए। अब इधर आइए, डबल बॉन्ड दो गो पाई, ये दो गो डबल बॉन्ड में एक गो सिग्मा एक गो पाई, बताए इधर भी एक गो डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या दो गो डबल बॉन्ड है, ऐसा कभी मिल गया आपको, ज़्यादातर ये तीन गो मिलेगा, ये सब कम मिलता है, लेकिन बता दे रहे पाई बॉन्ड दो, इधर भी एगो डबल बॉन्ड है, इधर भी एगो डबल बॉन्ड, इसमें एगो सिग्मा एगो पाई है, अंडरस्टूड। तो ये एकदम बेसिक बता दी, कार्बन टेट्राबेंट होता है, कार्बन का चार गो बॉन्ड होता है, चार बॉन्ड में कैसे आपस में कौन सिग्मा है कौन पाई है, कौन स्ट्रोंगर है कौन वीकर है, स्ट्रोंगर बॉन्ड टूट जाता सॉरी नहीं टूटता है, पाई बॉन्ड टूट जाता है, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ये वाला होगा, क्यों होगा कि दो दो को पाई बॉन्ड है, इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आपको यूज नहीं होगा 12th class 11th class में, ये वाला कम रिएक्टिव है, सबसे कम रिएक्टिव ये है ना, सबसे कम लेस रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव, और ये मोस्ट सबसे अधिक है कि नहीं। हाईली रिएक्टिव। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत कुछ बताने वाले हैं बाकी सबके बारे में, हाइड्रोजन के बारे में, क्लोरीन सबके बारे में, जो इनसे लिंक रहेगा वो किस तरह से बॉन्ड बनाएगा वो बताने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, भी बताएंगे क्या होता है IUPAC नेम्स, हाइड्रोकार्बन सब क्या होता है, बताने वाले नेक्स्ट वीडियो में।